हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, घर बैठे होंगे, टाइम वेस्ट ना करके आप लोग सभी पढ़ रहे होंगे अच्छे से। यही मैं आप लोगों को एक बार और बोलता हूँ, खाली बैठ करके इस टाइम का लॉकडाउन के समय पर बाहर ना घूमें। जान है तो जहान है, मोदी जी कहते हैं बड़ा अच्छे तरीके से। आप भी अपना घर बैठ करके सो करके गेम खेल करके पबजी खेल करके समय खराब मत कीजिए। आप लोग अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट कीजिए। जो लोग अभी इस साल बोर्ड के एग्जाम जिन्होंने देने हैं, बोर्ड की क्लासेस में जो हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है। आप घर बैठ करके हमारे वीडियो लेक्चर्स देखिए। उसमें जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर जब स्टेटमेंट ऊपर आती है तो वीडियो को आप पॉज करिए, अपने आप उसको सोल्व करने की कोशिश करिए। सोल्व करने के बाद अगर होता है तो बहुत अच्छा है, अगर दो बार कोशिश करने के बाद भी आप उसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस करते हैं तो आप उस वीडियो को प्ले करिए और आप उसके बाद उसको सोल्व करिए। हमने अभी तक कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा है, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए हैं, कूलम्स लॉ के बारे में हमने थ्योरी पढ़ी है, कूलम्स लॉ में हम लोगों ने फोर्स निकालना सीखा है ना। आइए आज मैं आपको पहले आज इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी कहीं ना कहीं कूलम्स लॉ का जिक्र आता है। आज मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कूलम्स के बारे में। कूलम लॉ जिन्होंने इजाद किया, जिन्होंने क्या किया, इसका स्टार्टिंग में डिस्कवर किया, उनका नाम क्या था? चार्ल्स अगस्टाइन कूलम। चार्ल्स अगस्टाइन कूलम जिनका नाम था, उन्होंने इसके बारे में स्टडी करी। चार्ल्स अगस्टाइन कूलम के बारे में अगर आपको पढ़ना, अगर पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना, बहुत ही बेहतरीन किस्म के इंसान थे। उन्होंने कितने तो सब्जेक्ट्स की स्टडी करी है, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी तक पढ़ी है, उन्होंने फिलोसफी पढ़ी है, उन्होंने इंग्लिश पढ़ा है, इन्होंने बॉटनी की स्टडी करी है, उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, और फिजिक्स तो आप लोग भी माशाल्लाह आप जानते हैं, फिजिक्स में तो उनका जवाब नहीं है। आज फिजिक्स में कूलम जो चार्ज की जहाँ डेफिनेशन आती है, चार्ज की यूनिट से कूलम के नाम पर डिफाइन है। इतने बेहतरीन किस्म के इंसान थे चार्ल्स। उनका पूरा नाम चार्ल्स अगस्टाइन कूलम था, जो कि फ्रांस में रहे हैं। फ्रांस में रहने के बाद मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ, आपको अच्छी लगेगी ये सुन करके। चार्ल्स अगस्टाइन कूलम फ्रांस में जन्मे। फ्रांस में इतने विषयों की स्टडी करने के बाद, वो कहाँ गए? उनकी जॉब लगी एज अ इंजीनियर, और इंजीनियर भी कहाँ? फ्रांस की जो आर्मी थी, एज अ आर्मी इंजीनियर वो सेलेक्ट हुए। आर्मी इंजीनियर बनने के बाद वो कहाँ गए? एक जगह उनको भेज दिया गया कि आपको इस बिल्डिंग का निर्माण करना है। बिल्डिंग का निर्माण करना था, थोड़ी देर ऐसे अकेले बैठे थे, अकेले बहुत समय व्यतीत करते थे, बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते थे, और अकेले बैठे हुए उनको उन्होंने समय व्यतीत किया तो हाथ में दो छड़ थी। अब दो रोड्स थी, रोड्स के साथ वो खेलते खेलते, पता नहीं वो कौन सी, इतना मुझे पता नहीं है, वो खेलते खेलते उन्होंने क्या किया, उनको रब किया और ये महसूस किया अपने हाथ के अंदर ही कि ये दोनों रोड्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ फोर्स है, वेदर इट इज रिपल्सिव और या फिर कुछ अट्रैक्टिव। अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर दो सेम रोड थे तो एक के ऊपर पॉजिटिव आया होगा, नेगेटिव तो अट्रैक्ट ही करी होगी। अब दो, उस समय उसके माइंड में आइडिया आया कि कुछ ना कुछ तो इन दो रोड्स के बीच में हुआ है जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये आइडिया उनके माइंड में आया और इसी आइडिया के ऊपर उन्होंने काम किया, और काम करने के बाद उन्होंने कूलम्स लॉ का डिस्कवर किया, 1/4πε0q1q2/r2। उसके बाद उन्हीं के नाम से चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज का जो यूनिट्स हैं, कूलम रखा गया। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ उनके बारे में। फ्रांस का एक बहुत ही खूबसूरत जगह का नाम है पेरिस, और उस पेरिस के अंदर एक है आईफिल टावर, आपने बहुत अच्छे ने सुना होगा। आईफिल टावर के साथ कूलम्स लॉ का एक लगाव है, एक दो चीजें आपस में एक तरीके से जुड़ी हुई हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। आईफिल टावर के ऊपर 72 नाम लिखे हुए हैं, 72 नाम लिखे हुए हैं, और उन 72 नाम वो उन लोगों के हैं जिन लोगों ने अपने अपने फील्ड के अंदर कुछ ऐसा काम किया जो कि पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल रहा। और ये जो चार्ज की डिस्कवरी करके, कूलम्स लॉ की डिस्कवरी करके जो पेरिस के रहने वाले हैं चार्ल्स अगस्टाइन कूलम, उन 72 नामों में से एक नाम किसका है? चार्ल्स अगस्टाइन कूलम लिखा हुआ है। क्या बेहतरीन इंसान है, क्या खूबसूरत इंसान है, आप भी पढ़ना उनके बारे में अगर आपको मौका मिले तो। आइए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ते हैं। आइए, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने बेसिक कंसेप्ट देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में है क्या,
इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट एक हाइपोथेटिकल व्यू है हमारे पास, कैसा कि एक जो चार्ज होगा उसके चारों तरफ कुछ एक स्पेस बना लेगा, वो स्पेस क्या होगा जिसके अंदर उस चार्ज का जिसकी वजह से वो स्पेस है फील्ड है उसके अंदर उसका इफेक्ट हम स्टडी कर सकेंगे। मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ जो स्पेस आ गया उस स्पेस के अंदर इस चार्ज का जो इफेक्ट है हम स्टडी कर पाएंगे, उसको हमने क्या नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हमारे पास क्या आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का नाम से भी हम समझ सकते हैं कि इंटेंसिटी कितना होगा कि उसकी कितनी वैल्यू होगी उस जगह पर। एक स्पेस एक जगह पर मान लिया कम फोर्स लगा रहा है, दूसरे स्पेस पर दूसरी जगह पर ज्यादा फोर्स लगा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से निकालेंगे वो हम देखेंगे किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या हम देखेंगे, सपोज मेरे पास क्या है ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज होगा, अगर मुझे क्या करना है इस पॉइंट के ऊपर जो कि मैंने क्यू नोट लिया है, ये क्यू नोट आप ध्यान रखना, जब भी मैं क्यू नोट लेता हूं और नाम लेता हूं उसको टेस्ट चार्ज, मतलब फिर इसका ये कोई चार्ज है टेस्ट करने के लिए यूज हो रहा है और ये बिल्कुल कैसा है माइन्यूट सा है, बिल्कुल ये अप्रोच करता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना है, बिल्कुल जीरो को अप्रोच करता है, बट जीरो नहीं है, जीरो से कुछ पॉजिटिव है कुछ ज्यादा है, बट अप्रोच करेगा किसकी तरफ जीरो की तरफ, यह ध्यान रखना। ये मैंने क्या ले लिया है टेस्ट चार्ज ले लिया क्यू नोट। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को समझाता हूं क्या है। प्लस टू चार्ज हो गया, इसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख रहे हैं, ये सपोज क्यू नोट चार्ज है, क्यू नोट चार्ज है, ये क्यू इस क्यू नोट पर कितनी फोर्स लगाएगा ये मैं निकाल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ, 1/4 πε0 क्यू क्यू नोट डिवाइड बाय जो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस होगा, 1/4 πε0 क्यू क्यू नोट डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा फोर्स का जो फोर्स इस प्लस क्यू चार्ज ने इस क्यू नोट पर। अब सिमिलरली मैं क्या करता हूं यहां से एक दूसरा डिस्टेंस ले लिया मैंने, कितना ये आर वन था सपोज, ये आर टू ले लिया, ये भी वही सेम चार्ज है हमने क्यू नोट आर वन स्क्वायर ये फोर्स हो जाएगी। सिमिलरली अब मैं फोर्स निकालता हूं एफ टू जो ये पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू किस पर लगाएगा इस क्यू नोट पर लगाएगा, कहां पर प्रेजेंट है एट आर टू डिस्टेंस, तो 1/4 πε0 क्यू क्यू नोट डिवाइड बाय आर टू स्क्वायर, समझ आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मैंने इस आर वन डिस्टेंस के बजाय आर टू डिस्टेंस रख दिया जो कि ज्यादा है इससे आर वन से, मतलब जो ये टेस्ट चार्ज है वो ज्यादा दूर प्रेजेंट है इससे इस आर वन डिस्टेंस से, तो वो फोर्स कितनी होगी ये फोर्स होगी। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जब नाम लूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होगा हमेशा कितना कि जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है डिवाइड बाय जो मैंने चार्ज किया गया था टेस्ट चार्ज। इस तरीके से मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकता हूं। इस पॉइंट पर देखता हूं ज्यादा ज्यादा फोर्स लग रही है, इस पॉइंट पर देखता हूं कम फोर्स लग रही है, इसका मतलब क्या है इस प्लस क्यू ने यहां पर अपनी ज्यादा फील्ड दिखाई इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लस क्यू ने इतने डिस्टेंस पर जब मैंने ज्यादा कर दिया तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई कम हो गई। इसीलिए यह देखने के लिए कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है E1 या E2 हमने डिफाइन करा एक फॉर्मूला E1 जो क्या होगा इसके ऊपर जितनी फोर्स लगी डिवाइड बाय द सेम टेस्ट चार्ज जो हमने लेकर के चले रिप्रेजेंटेड बाय एफ डिवाइड बाय क्यू नोट। सिमिलरली इस पॉइंट पर अगर मैं देखता हूं E2 पर तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इस पॉइंट पर कितनी लगी डिवाइड बाय जो क्या है क्यू नोट चार्ज है पास। ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का। अब आपको न्यूमेरिकल्स के लिए ध्यान क्या रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया कि चार्ज के अराउंड जो स्पेस जिसके अंदर उसका इफेक्ट हम स्टडी कर सकते हैं वो क्या कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसकी वैल्यू निकालने के लिए कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसका फॉर्मूला हमेशा क्या होगा जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू होगा और किसी भी डिस्टेंस आर के ऊपर मुझे क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमेशा क्या ले फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट, और फोर्स हमने कूलम्स लॉ के रिगार्डिंग क्या लिखी थी 1/4 πε0 क्यू
Q0 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और जब मैं डिवाइड कर दूंगा इसको Q0 से तो ये कैंसिल आउट होगा, तो हमेशा हमारे पास क्या आएगा 1/4πε0 Q डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और जनरल लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ये कॉन्स्टेंट है के कैपिटल Q डिवाइड बाय। आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, जब भी जिसकी वजह से फोर्स निकाल रहे हैं जितने डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इसकी वजह से फोर्स निकाल रहे हैं, बस ये डिस्टेंस चेंज करते चले जाओ आपको क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसी में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खासतौर पर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या पूछ लिया जाता है, जब यूनिट्स पूछता है इसके यूनिट्स पूछ लेता है। हम लोग कोशिश क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स निकालने के लिए, लिख देते हैं क्यू पे लिख देते हैं चार्ज के कूलम और मीटर के लिए आर के क्या लिख देते हैं, हम सोचते हैं के कॉन्स्टेंट है इसके कोई यूनिट्स नहीं होंगे, और क्यू क्या है कूलम और आर क्या है मीटर, तो इसको मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, और जो कि गलत होता है। क्यों? क्योंकि के लिए हमारे पास क्या है यूनिट्स होते हैं, इसलिए हमेशा इसके बजाय फोर्स किससे निकाले, यूनिट्स किससे निकाले इसके बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो सबसे बेसिक डेफिनेशन पड़ी हमने फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, तो फोर्स क्या था न्यूटन, चार्ज क्या था कूलम, तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स क्या लाएंगे यूनिट्स ऑफ न्यूटन पर कूलम आएंगे, उससे भी सेम टू सेम वो कैसे आएंगे के कुछ यूनिट रखेंगे हम जो हमने पहले निकाले हुए हैं, उसके बाद हम चार्ज के रखेंगे, उसके बाद हम डिस्टेंस के रखेंगे, सेम यूनिट आएंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, आप उसके साथ साथ ग्राफ पूछ लेते हैं। अब मैं ग्राफ अगर बनाता हूं ग्राफ हो इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर से मैंने देखा जिस भी चार्ज की वजह से निकालना है वो चार्ज यहां आ जाएगा, अगर हमारे पास मीडियम कोई भी दिया हुआ है अगर वैक्यूम दिया हुआ है तो के की वैल्यू हमें पता है, और आर जिस भी डिस्टेंस पर हमें निकालना है वो मैं निकाल सकता हूं। तो हमेशा जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो कैसे आ जाएगा, यहां इसको मान लेता हूं मैं डिस्टेंस एक्सिस दैट इज आर, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आर के ऊपर डिपेंडेंस कैसी है अगर मैं वो देखता हूं, अगर मेरे को मीडियम गिवन है तो के कॉन्स्टेंट हो जाएगा, क्यू है कॉन्स्टेंट तो आर स्क्वायर के कॉन्स्टेंट आएगा, आर इज इक्वल टू जीरो मैं ले नहीं सकता कि कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू जीरो पे ई विल अप्रोच टू इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है, इसलिए अगर मैं इसको आर को इन्फिनिटी लूंगा तो मतलब जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से ऐसे मेरे पास ग्राफ हो जाएगा, स्टडी कर सकता हूं कैसे, अगर आर को इन्फिनिटी लेता हूं आर इन्फिनिटी लूंगा तो ई कितना हो जाएगा जीरो, जो कि जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, इसे इन्फिनिटी तो होगा नहीं। और सिमिलर वे से आर अगर मैं जीरो लूंगा जीरो लूंगा तो वो भी कितना हो जाएगा ई इन्फिनिटी, तो वो भी ऐसे यू अप्रोच करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी की तरफ। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये डेफिनेशन थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने की, और फॉर्मूला था हमारे पास क्या फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। आइए अब हम सेम तरीके से कुछ इनके न्यूमेरिकल्स करते हैं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो टोटली सिमिलर होंगे कैसे इलेक्ट्रिक फोर्स के, जो मैं न्यूमेरिकल लिखता हूं पहले आप उसको ट्राई करना, कंसेप्ट क्या होगा बेस का इनका सोल्व करने का वो देखना, उसके बाद उसको खुद सोल्व करना, एक दो न्यूमेरिकल मैच में कराता हूं उसके बाद सेम टू सेम तरीके के न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं जैसे हमने किसमें किए थे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए किए थे जहां यूज किया था कूलम्स लॉ। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है, सपोज मेरे पास चार्ज भी होने यहां Q1 चार्ज दिया यहां Q2 चार्ज दिया, इसकी जगह मैं वैल्यू की बात करूं तो सपोज मैंने वैल्यू ले यहां पर 1 पिको कूलम और यहां ले लिया मैंने -Q पिको कूलम ले लिया। अब मेरे से पूछ लेता है ये ए पॉइंट है ए यहां पर है बी पॉइंट, अब डिस्टेंस दे दिया यहां से यहां तक का सपोज कितना दे दिया मेरे पास 2 मिलीमीटर दे दिया, यह डिस्टेंस दे दिया। अब इतने डिस्टेंस के बाद इसको भी मिली के बजाय कर लेते हैं सेंटीमीटर कर लेते हैं, अब इसने पूछ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो कहां पर इसके मिड पॉइंट पर,
ए बी सी पॉइंट आ गया, ये क्या है मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, टोटल हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो हाफ कितना 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर। अब सी पॉइंट के ऊपर मेरे को निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, मेन वही सेम टू सेम तरीका क्या करेंगे हम यहां पर, जो हमने इसमें किया था इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए किया। अब देखना कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, हमेशा कैसे लेते हैं हम इस तरीके से लेते हैं, ये क्यों लिया आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया, यहां पर अगर मैं टेस्ट चार्ज रखता हूं Q0, इस Q0 को किधर की तरफ ये मूव कराएगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव होगा तो रिपल कराएगा, रिपल कराएगा तो इस तरफ जाएगा, सिमिलरली यहां Q0 रख देता हूं उसको कैसे जाएगा इस तरीके से दूर भेजेगा, तो सिमिलर पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा दूर की तरफ होगी, अवे होगी, तो हम मान सकते हैं ये रीजन हो जाएगा हम क्यों इसकी वजह से अवे दूर की तरफ ले रहे हैं। और सिमिलर अगर नेगेटिव चार्ज लेता हूं मैं यहां पर और यहां कोई चार्ज लेता हूं Q0, उस Q0 को क्या करेगा अपने तरफ अवे तरफ खींचेगा, इसलिए मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कर दूंगा इस तरीके से, यहां पर कोई चार्ज रखूंगा तो अपनी तरफ खींचेगा, तो ये ध्यान रखना पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है अवे, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है टुवार्ड्स हो जाती है, ये आप बेसिक ध्यान रख सकते हैं। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, सेंटर के ऊपर हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना तो ये क्या है 1 पिको कूलम पॉजिटिव चार्ज है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर किस डायरेक्शन में होगी, ऐसे होगी पॉजिटिव की वजह से अवे होगी, तो इसका मतलब मैं नाम दे दूं उसको ई ए, अब मैं निकालता हूं बी के ऊपर जो चार्ज रखा है Q2 दैट इज -2 पिको कूलम नेगेटिव है, तो इसकी वजह से यहां पर कैसे होगी, मतलब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव की ओर जाएगी, नेगेटिव के टुवर्ड्स जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी कितनी हो जाएगी सेम डायरेक्शन में ई बी हो जाएगी, क्योंकि हमें इस पॉइंट पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ से जाएगी, समझ सकते हैं। अब पीको कूलम दिया है, पीको कूलम कितना होता है 10^-12 हो जाएगा, और -12 हो जाएगा मीन्स पीको की वजह से आ गया 10^-12 और सी कूलम, तो यहां भी कूलम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या है, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, के को के की वैल्यू पता है 9 × 10^9 इंटू कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 कूलम पिको कूलम 10^-12 और डिस्टेंस आर कितना है 1 सेंटीमीटर, इसको लिखेंगे मीटर में कितना हो जाएगा -2 × 10^9 ये सेंटीमीटर जहां भी आ जाए सेंटी जहां भी आ जाए इसका मतलब कितना होगा हमेशा 10^-2। जैसे हमने पीको कूलम लिखा जब भी पीको आ जाए 10^-12 लिख दो सी एज इट इज लिख दिया, अब जैसे सेंटीमीटर आ गया था एक सेंटी की वजह से 10^-2 और मीटर था तो वो सेम मीटर आ जाएगा, यहां सेंटी इसको लिखना था हमको ये जैसे 1 सेंटीमीटर इस सेंटी की वजह से 10^-2 आ गया और मीटर है तो एज इट इज मीटर। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो मेरे पास कितने आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ जाएगा, सिमिलर वे से मैं निकाल सकता हूं इसमें ई बी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंटेड बी पॉइंट, तो वो कैसे निकाल देंगे के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, सिमिलर आ जाएगा मेरे पास वो 9 × 10^9 मल्टीप्लाई बाय चार्ज 2 × 10^-12 पिको कूलम, 12 कूलम आर कितना जाएगा वही 10^-2 स्क्वायर, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि सेम पॉइंट के ऊपर सेम डायरेक्शन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो वेक्टर है, तो ये हम निकाल सकते हैं इनका रिजल्टेंट कितना होगा ईए प्लस ईबी, ये हम यहां से सॉल्व कर लेंगे, ये आप सभी कर सकते हैं आसानी से, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो वीडियो ज्यादा लंबी चली जाएगी इसलिए आप इसको खुद ब खुद सॉल्व कर लेंगे। आइए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, चलो देखिए अब मैं दूसरा न्यूमेरिकल लिखता हूं यहां पर, अगर मान लिया मेरे पास क्या है एक ट्राइंगल ले ली, ये ट्राइंगल ले ली और इस ट्राइंगल के एक तरफ +2 कूलम चार्ज है +2Q एक तरफ -2Q चार्ज है और इसकी साइड दे दी मान लिया हमारे पास कितनी ए साइड दे दी मैंने, ये ए साइड आ गई और ये इक्विलेटरल इसने बोल दिया, अब बोल दिया सी पॉइंट है ए यहां आ गया बी यहां आ गया,
मुझे क्या करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पॉइंट सी। इस सी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। सेम तरीके से कर सकता हूं, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है, अवे, मतलब यू ई कितना हो जाएगा ए। अब इस बी की वजह से कहां होगी, बी क्या है नेगेटिव, नेगेटिव है तो इसके टुवार्ड्स आएगी, टुवार्ड्स आएगी तो मान लिया मैंने ये ई बी हो गया। अब मेन मकसद हमारा क्या रहेगा निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए अगर निकाल सकते हैं हम कैसे निकालेंगे, ये कॉन्स्टेंट है क्यू टू है डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर कितना डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कितना है ए, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर जीरो। सिमिलरली ई बी निकाल सकते हैं, ई बी कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी दैट इज ड्यू टू के मल्टीप्लाइड बाय टू डिवाइड बाय सेम डिस्टेंस है ए स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर यहां भी हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि ये सिंपल एडिशन कभी नहीं होगी, हम यहां किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे में कभी नहीं ले सकता इसको, ये इस तरीके से लिखूंगा वेक्टर एडिशन ऑफ ई विल बी द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ए ए प्लस ई बी इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, नहीं जो ई वेक्टर होगा, जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ई ए और ई बी का वो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, और एडिशन कैसा वेक्टर एडिशन। अगर मैं ये लिखता हूं ई इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, वो हम यहां से भी देख सकते हैं। अब अगर मैं सिंपल इसको ऐड करूंगा तो जिसको और इसको ऐड कर दूंगा आंसर आ जाएगा, लेकिन हमारा इसमें दो क्योंकि क्या है ये वेक्टर है तो फैक्ट फॉर्म इसकी होगी ये, और फैक्ट फॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर हमेशा क्या होगा अंडर रूट ऑफ ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस टू ई ए ई बी और यहां पर कोस ऑफ द एंगल बिटवीन ई ए एंड ई बी। अब मेन हमारा क्या रहेगा यहां पर, ये एंगल कितना हुआ है, ये एंगल में हम इजिली निकाल सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, ये एंगल कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60, और यहां कितना हो जाएगा 120, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल का सम कितना होता है 180, एक तरफ 60 है तो एक तरफ कितना जाएगा 120, तो मैं यहां ई ए पुट करूंगा ई बी पुट करूंगा और थीटा के प्लेस पे 120 जब पुट करूंगा तो रिजल्टेंट मैं इजिली निकाल सकता हूं, जो कि आप खुद कर सकते हैं, मैथमेटिक्स बजाय नहीं, मैथमेटिक्स आप खुद करेंगे। न्यूमेरिकल हम कर सकते हैं इसमें, सपोज मेरे पास एक तरफ दे दिया प्लस क्यू चार्ज, एक तरफ दे दिया प्लस एट क्यू चार्ज, प्लस क्यू कूलम है एक तरफ प्लस एट कूलम है, और मुझे बोल दिया इसमें कैलकुलेट करो, और ये टोटल डिस्टेंस सपोज दे दिया कितना ए, के फाइंड करो कि इन जिसमें इन दो चार्जेस की वजह से प्लस क्यू चार्ज और प्लस एट क्यू चार्ज की वजह से कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो इसमें मैं इसको तीन रीजन में बांट सकता हूं, एक रीजन ये हो गया इससे इस तरफ का, एक रीजन हो गया प्लस क्यू और प्लस टू क्यू के बीच का, सेकंड रीजन हो गया, इसको मैं फर्स्ट रीजन नाम दे दू, सेकंड रीजन नाम देता हूं, यहां पर थर्ड रीजन नाम दे देता हूं। अब आप गेस करना है कि ये प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा इस तरफ होगी हमेशा, क्योंकि प्लस क्यू की वजह से क्या होता है अवे। सिमिलरली इस रीजन में जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा मैं सेकंड की, इसको नाम ए दे देता हूं, मैं यहां पर इसको बी नाम दे देता हूं, ये डायरेक्शन मैंने इसकी लिख दी ई ए की, अब ये भी प्लस है, इसकी वजह से जो फोर्स होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके डायरेक्शन में क्या होगी सेम ई बी, तो क्या उन दोनों का रिजल्टेंट कभी जीरो आएगा, कभी नहीं आएगा, तो इस रीजन में तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली ये थर्ड रीजन हमारे पास है, फर्स्ट प्लस टू की वजह से जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो कैसे होगा ऐसे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की वजह से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली इस प्लस एट क्यू है, इस प्लस एट क्यू की वजह से यहां पर ई बी हो जाएगा, ये भी हमेशा जब रिजल्टेंट निकालूंगा बिकॉज बोथ आर लाइंग इन सेम डायरेक्शन, सो द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर ई ए एंड ई बी इज नॉट पॉसिबल टू बी जीरो, तो हमारे पास इसका बीच का रीजन बन जाएगा। अब मैं मानता हूं कोई भी पॉइंट मान लिया मैंने, ये आर्बिट्री पॉइंट मान लिया मैंने, कितना एक्स मान लिया, ठीक है,
इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे, इस तरीके से ऐसे। इन द सेम वे इस बी पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां, ऐसे। तो यहां तो पॉसिबल हो सकता है कि क्योंकि दोनों फोर्स, दोनों जो वेक्टर है बोथ आर लाइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। बोथ आर कितने एंगल पर होंगे, 180 डिग्री पर। अब 180 डिग्री पर है इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होंगे, तो यहां कहीं इसके बीच में एक ऐसा स्पेस होगा जहां पर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। तो बस उसको इजीली निकाल सकते हैं। अब एक बार क्या करेंगे, ये की वैल्यू निकाले, ए की वैल्यू कितने हो जाएगी, के क्यू डिवाइड बाय, मैंने ये डिस्टेंस मान लिया, ये पॉइंट सी मान लेता हूं, इस पॉइंट के ऊपर कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो मान लिया, तो कितना हो गया यहां से यहां तक का डिस्टेंस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली मैं निकाल लेता हूं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी ड्यू टू द चार्ज प्रेजेंटेड बी पॉइंट बी, ये कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाय, अब इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल था ए, ये हो गया हमारे पास ए माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बस अब रिजल्टेंट फील्ड कितना है मेरे पास, ई इक्वल्स टू जीरो। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और रिजल्टेंट कैसे आएगा इन दोनों का, ई इक्वल्स टू ई ए माइनस ई बी करके आएगा क्योंकि अपोजिट है, और ये ई जब मैं इसको जीरो पुट करूंगा तो कितना हो गया ई ए माइनस ई बी, हेंस आई हैव ई ए शुड बी इक्वल टू ई बी, तभी जाकर इस पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। हम फिजिकली भी देख सकते हैं, ये मैंने मैथमेटिकली करके दिखाया, फिजिकली देखेंगे अगर जब एक चीज पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या, दूसरी तरफ दोनों डायरेक्शन के अंदर जब सेम वेक्टर जाएगा ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तभी क्या होगा जीरो होगा। इसलिए मैं कह सकता हूं ई ए शुड बी इक्वल टू ई बी सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर क्या हो जाए जीरो। तो अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो यहां से क्या निकाल सकता हूं, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय ए माइनस एक्स स्क्वायर। बस यहां से मैं इसको सॉल्व करके ये कह सकते हैं कि इसकी वजह एट आ जाएगा, यहां पे ये एट कूलम चार्ज हमारे पास था, तो इसको मैं के से के कटेगा क्यू से क्यू, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा ए माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब ये क्या आ गया मेरे पास, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके अगर हम करना चाहूं तो क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए दो एक्स स्क्वायर, इसको मैं सोल्व कर सकता हूं, सोल्व करूंगा तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स इज इक्वल टू एट एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व करूंगा तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर, इधर आएगा माइनस सेवन एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स इक्वल टू जीरो, और यहां आएगा सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से इसको सॉल्व कर सकता हूं माइनस बी प्लस माइनस टू अंडर रूट, ये मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए थे, यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की दो वैल्यू। अब दो वैल्यू आने के बाद जो पॉजिटिव वैल्यू होगी डिस्टेंस की वो तो हम ले लेंगे, जो नेगेटिव होगी वो माइनस कर देंगे। हेंस आई कैन कैलकुलेट द पॉइंट एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं जिस पॉइंट पर क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जीरो। जो हमारे पास यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, दो वैल्यू आ जाएगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी। पॉजिटिव ले लेंगे हम डिस्टेंस जो भी हमारे पास, क्योंकि हमें कहां से माना है पॉजिटिव, किस पॉइंट से माना है। अब पॉजिटिव यहां से लेंगे तो बीच में आएगा वह पॉइंट, तो हम ले लेंगे। अब जो पॉइंट नेगेटिव आ गया, नेगेटिव का सिग्निफिकेंस फिजिक्स में क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि ये ए पॉइंट है, अब नेगेटिव लेंगे तो डिस्टेंस यहां चला जाएगा। अब नेगेटिव हमने देख लिया कि इस रीजन में तो कभी जीरो हो नहीं सकता, तो इसलिए हम उसको अपना फिजिक्स लगा करके इसको एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि ये फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू बी टू इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी जीरो इन द रीजन लेफ्ट साइड ऑफ पॉइंट ए। देखिए अभी हमने क्वेश्चन किया है प्लस टू चार्ज है, एक इधर यहां पर रखा था प्लस एट टू चार्ज, उसके बाद हमने देखा था कि वो पॉइंट बताइए जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी जीरो। अब मैं क्या करता हूं, बस यहां प्लस टू के बजाय माइनस एट टू रख देता हूं, सेम डिस्टेंस रख देता हूं ए। अब प्रोसीजर बिल्कुल टोटली सेम होगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट रीजन में डिवाइड कर लो, ये सेकंड रीजन में डिवाइड कर लो, ये थर्ड रीजन में डिवाइड कर लो, क्योंकि हमारे पास सिस्टम क्या है, प्लस टू चार्ज है माइनस एट टू चार्ज है। इसके लेफ्ट साइड का एक रीजन मान लिया, इसके मिडल का सेकंड रीजन मान लिया, उसके राइट साइड का मान लिया थर्ड रीजन मान लिया।
अब जो फर्स्ट रीजन है इसमें सोचकर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है नहीं, मान लिया एक पॉइंट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कितना आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि प्लस से किस तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड अवे। सिमिलरली नेगेटिव की वजह से इसकी नेगेटिव फील्ड टुवर्ड्स जाएंगे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ऐसे आएगा। तो क्या आप कहेंगे इसको पॉसिबल है? बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबल है। सिमिलरली अब मैं बीच में देखता हूं, यहां बीच में जब देखता हूं, मान लिया ये मैंने पॉइंट ले लिया, इस प्लस टू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ए नाम दे दो, ये बी नाम, इस ए की वजह से इस तरफ आ गया, इस बी की तरफ से टुवर्ड्स आ गया, इस ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी अवे। सिमिलरली इस बी की वजह से बी क्या नेगेटिव, नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगी, ए की वजह से अवे और नेगेटिव की वजह से क्या हो जाएगा, हाँ देखिए इस तरफ क्या था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, यहां पर क्या आ गया, ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या करेगा इसको अवे करेगा, तो ए आ गया, इससे दूर जाएगा, माइनस टू के नजदीक जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा, तो यह सेम डायरेक्शन में आ गया। अब सिमिलरली यहां देखते हैं थर्ड रीजन में, ये माइनस एट टू क्या करेगा इसको अपने तरफ खींचेगा, इसे अपने तरफ खींचेगा, और जो हमारे पास प्लस टू चार्ज है, प्लस टू चार्ज क्या करेगा इसको अवे दूर भेजेगा, तो वो ऐसे आएगा, ये ई भी आ गया, ये ई भी आ गया, मतलब क्या हो गया, पहले फर्स्ट रीजन मैंने देख लिया इस ए की वजह से डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, अब इसकी वजह से बी के ऊपर जो चार्ज है अपोजिट है, मिडल में मैंने देखा दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं, ई ए और ये ई बी हो जाएगा, थर्ड रीजन मैंने देख लिया ये इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, जो आउटसाइड का एरिया था उसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही थी, और यहां पर क्या हो रहा था मिडल में, नहीं प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में जो आउटसाइड का रीजन था उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो रही थी, बट जो मिडल का रीजन था उसमें जीरो हो रही थी, जिस टाइम पे दोनों में दोनों चार्ज क्या थे हमारे पास सेम थे। अब यहां डिफरेंट क्या आ गया, जैसे मैंने एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया, तो यहां हमेशा क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई ए प्लस ई बी हो जाएगा, तो इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, हमेशा कभी भी जीरो नहीं होगा। अब यहां देखते हैं, यहां क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या हो सकता है ई ए माइनस ई बी, रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों में सबट्रैक्शन होकर क्या आएगा, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होकर आएगा ई ए माइनस ई बी, जो भी बड़ा होगा वो रिजल्टेंट आ जाएगा। तो हम यहां से उस क्वेश्चन में कंपेयर क्या कर सकते हैं, जब भी दो चार्जेस कैसे ले लेंगे हम पॉजिटिव, तो हमेशा उनके बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, जब दोनों पे दोनों हम क्या करेंगे एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव, तब भी क्या होगा, हमेशा जो मिडल है, मिडल का रीजन है, वहां जीरो नहीं होगी, जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में है वहां पर हमेशा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए भी सेम तरीका है, अब इतने इसको मैं दोबारा, यहां मैंने कितना दिया प्लस क्यू, यहां दिया माइनस ए क्यू, ये डिस्टेंस दिया था हमें कितना ए, हमने ये देख लिया कि इसके मिडिल के रीजन में नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए, ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, तो इसका मतलब हम मान लेते मैंने ये पॉइंट ले लिया कोई सी पॉइंट लिया, जो कितने डिस्टेंस पे है एक्स डिस्टेंस पे है। अब क्या करूंगा मैं, बस ये निकाल लेता हूं, इस पॉइंट पर निकाल रहा हूं मैं, ये कहां होगा प्लस की वजह से इस तरफ आएगा, तो ई ए कितना होगा के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर, और ई बी जब मैं निकालूंगा वो कितना हो जाएगा इसकी वजह से इस तरफ जाएगा, नेगेटिव है नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में, ये कितना होगा के इंटू एट क्यू डिवाइड बाय, अब डिस्टेंस क्या होगा, बस डिस्टेंस का मैटर है इसमें, यहां से लेकर के मैंने मान लिया इस पॉइंट पर मैं निकाल रहा हूं उसी पॉइंट पे, यहां से लेकर के एक्स यहां तक का, उसके बाद इस पॉइंट की वजह से निकाल रहा हूं, तो कितना होगा ए प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे इसमें, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए माइनस ई बी शुड बी जीरो हमने मान लिया, तो इसके बाद क्या होगा ई ए इज इक्वल टू
ई बी और इन दोनों को सेम उसी तरीके से हम इक्वेट करेंगे जैसे हमने इसमें किया था के क्यू बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के ए क्यू डिवाइड बाय ए प्लस एक्स का स्क्वायर। ये कैंसिल आउट कैंसिल आउट कैंसिल आउट। इसको जब मैं सोल्व कर लूंगा तो हमारे पास कितने वैल्यूज आ जाएंगे, दो वैल्यूज आ रही है। अब अगर दो वैल्यू आ रही है तो पॉजिटिव लेकर के चलेंगे हम, इसमें पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, इस पॉइंट ए से। एक्स अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या होगा, ये डिस्टेंस इस तरह मेजर किया हमने, ये डिस्टेंस आ गया। तो अगर नेगेटिव वैल्यू आएगा इसका मतलब मैं कहां जा रहा हूं, इसके मिडिल में, और मिडिल में हमने देखा था कि मिडिल में पॉसिबल नहीं है तो मैं पॉजिटिव वैल्यू ले लूंगा और नेगेटिव को एक्सक्लूड कर दूंगा। तो ये ऐसे भी ये न्यूमेरिकल हमारे पास आ सकते हैं।